मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जेपी पटेल को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेता ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उसूलों की राजनीति की जगह अब वसूली की राजनीति हो रही है, इसलिए यह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हम दिल से इनका स्वागत करते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हमारी लगातार पटेल भाई से बातचीत होती रही थी, इसी दौरान वह राहुल गांधी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे। पटेल भाई के पिता ने हमेशा से ही कांग्रेस की मदद की है, क्षेत्र में हमेशा से ही जेपी पटेल भाई का दबदबा रहा है। जेपी भाई का पार्टी में हम स्वागत करते हैं, यह चाहे जिस भी पार्टी में रहे हो, हमारे संबंध बेहतर ही रहे हैं। वहीं बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जेपी पटेल ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने प्रचार प्रसार किया और मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, 11 लोकसभा सीटों पर हमने जीत भी दर्ज की। मेरे पिता टेकलाल महतो जो कि झारखंड आंदोलनकारी थे और पिता के सपनों को संवारने के लिए मैंने NDA गठबंधन ज्वाइन किया था, उम्मीद थी कि यहाँ पर मेरे पिता का सपना पूरा हो पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं NDA गठबंधन का साथ दूंगा और NDA गठबंधन को 14 लोकसभा सीटों में जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।